नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। बात गर्मी के लॉकडाउन की। जी हां, लॉकडाउन, जब लोग घरों में ताले के अंदर में रहने को मजबूर है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि गर्मी इतनी है बाहर, प्रचंड गर्मी, कि एमपी के कई जिलों में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रदेश के 15 से ज्यादा जिलों में लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गुना की बात करें तो गुना में तो गुरुवार को सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा। यहां पे पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। भोपाल में 44.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। भोपाल में रात भी बेहद गर्म रही। राजगढ़, बड़वानी में भी लू का अलर्ट जारी किया गया है। छतरपुर, ग्वालियर, रतलाम में भी लोगों को लू से बचने की सलाह दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही गर्मी के लॉकडाउन की जानकारी आपको हम दे रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है बाहर सड़कों पर कि डॉक्टरों का भी कहना है कि अगर जरूरत ना हो, बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, तो घर से बाहर ना निकले। और यही वजह है कि देखिए, पानी में लोग यहाँ उतरे हुए हैं गर्मी से राहत पाने के लिए। सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही दिखाई दे रही हैं। इतनी लू है, इतनी गर्म हवा के थपेड़े हैं कि जो ठंडा पेय बेचने वाले ठेले लगे हुए हैं कि वहां पर देखिए भीड़ दिख रही है। और सिर्फ मध्य प्रदेश का ही हाल ऐसा नहीं, राजस्थान का भी जो ये देख रहे हैं आप वीडियो, देखिए राजस्थान में तो इतनी गर्मी है कि यहां पर देखिए ये शख्स प्लेट में अंडा तोड़ता है और बिना आग के सिर्फ धूप और रेत की तपिश में, तपती रेत में ये अंडा पक जाएगा। जिस तरह से हाफ फ्राई बनाया जाता है, आप देखिए किस तरह से बिना आग के ही यहां पर अंडा पका लेगा ये युवक, ये बताने के लिए कि किस कदर गर्मी पड़ रही है और गर्मी का कहर कितना है। इससे पहले बीकानेर का भी एक वीडियो सामने आया था जहां देखिए ये अंडा पक चुका है। ये देखिए हाफ फ्राई, ये आप सफेद हिस्सा जो अंडे का होता है वो देख रहे हैं, बीच में पीला हिस्सा पका हुआ, देखिए जिस तरह से खाया जाता है अंडा। और ये यहां पर आप देख सकते हैं, बिना आग के, बिना स्टोव के, सिर्फ रेत में एक प्लेट रखकर उसके ऊपर अंडा तोड़ा और अंडा कुछ ही देर में पककर तैयार भी हो गया। ये राजस्थान का हाल है। ऊपर से पड़ती धूप, नीचे से तपती रेत और बिना आग, बिना गैस सिलेंडर के यहां पर तैयार हो जाता है ये अंडा। तपती रेत में ये प्लेट रखी हुई है और प्लेट इस कदर गर्म हो जाती है, ऊपर से सूरज की जो किरणें हैं अंडे को तपा देती है और अंडा पककर तैयार हो गया ये आपके सामने। तो गर्मी का लॉकडाउन कैसा है, बाहर सड़कों पर क्या हाल है और लोग किस तरह से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं, इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे अपने सहयोगी से। हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं एक एक करके अलग अलग लोकेशन से। हरदा से हमारे साथ प्रवीण सिंह तवर जुड़ चुके हैं और भोपाल से प्रशांत कटारे जुड़े हुए हैं। प्रशांत, पहले मैं आपके रुख करना चाहूंगी, राजधानी में भी गर्मी इस कदर पड़ रही है कि ना सिर्फ दिन में बल्कि जो रातें हैं वो भी बहुत गर्म हो रही हैं। देखिए अपना, बीता दिन जो 44.4 डिग्री, और अगर आज के दिन की अगर हम बात करेंगे तो जो कल एनालिसिस आएगा वो 45 के पार रहेगा, यानी कि हीट वेव लगातार चल रही है। आप सड़कों पर खड़े नहीं हो सकते हैं, एसी के बाहर आप निकल नहीं सकते हैं, ये स्थिति है, ये हालात हैं। सड़कों पर आपको कोई नजर नहीं आ रहा होगा, अगर इक्का दुक्का लोग नजर आ भी रहे हैं तो वो जहां पर शीतल पेय पदार्थ यानी कि गन्ने का रस अगर मिल रहा है या फिर शिकंजी की का मिल रहा है रस, तो ऐसी शॉप्स पर ही लोग नजर आ रहे हैं। लगातार तप रहा है राजधानी भोपाल और पूरी मई स्थिति यही रहने वाली है, मौसम विभाग का ये अनुमान भी है। कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे, कुछ लोग यहां पर पहुंचे भी हुए हैं, एक दो लोग ही हैं जो पहुंचे हैं शीतल पेय पदार्थ पीने के लिए। भाई साहब, आजकल लोग दोपहर में लोगों का आना भी कम हो जाता होगा, दोपहर में धंधा ही नहीं होता है भैया। अच्छा, शाम सबसे ज्यादा तो लोगों को जरूरत यही राहत देता है, गन्ने का रस राहत देता है, उनकी घर से निकलने की इच्छा भी तो होना चाहिए। जी, यहाँ तक आते आते बहुत मरे हो जाते हैं, इसलिए वो आते ही नहीं है, शाम को आते हैं, सुबह आते हैं। जी हाँ, ठंडे ठंडे में, बस बिल्कुल ठंडे ठंडे में आते हैं। आप गमछा डाले हुए गले में, ये गर्मी का प्रकोप है। अच्छा, गर्मी से बचने के लिए, बहुत बहुत गर्मी से बचने के लिए कुछ राहत मिलती है इससे, थोड़ी बहुत तो मिल जाती है, बाकी आप देख ये गन्ने का रस या शिकंजी यही राहत दे रहा है क्या? बस इन्हीं की राहत है इस गर्मियों में, इन्हीं के कारण चल रहा है। मतलब कुछ काम से निकले होंगे बाहर? जी बिल्कुल, अपने काम से आया था मैं बाहर, पर गर्मी इतनी हो रही है कि अब मैंने सोचा रुक के थोड़ा गन्ने का जूस पी लूं, उसके बाद अपने काम के लिए जाऊं।
एक और भैया हमारे साथ, भैया गर्मी बहुत बहुत ज्यादा हो रही है, कैसे निकल रहे हैं बाहर? बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है गर्मी में, हॉस्पिटल में आया हूँ मैं, यहाँ वहाँ इतना गर्मी है कि यहाँ पेड़ के नीचे खड़ा होकर टाइम पेड़ राहत दे रहा है थोड़ी, बिल्कुल पेड़ दे रहा है, और गन्ने का रस पिया है अभी, उससे टाइम पास कर रहा हूँ जी। मतलब गर्मी बहुत ज्यादा है, ये आप समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, कुछ और भी लोगों से हम बात करेंगे, लोगों की मजबूरी है, जो लोग आ रहे हैं अगर घर से बाहर निकल रहे हैं। जी गर्मी पड़ रही है आप? जी सर गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ रही है, बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो दिक्कत हो रही होगी? दिक्कत तो बहुत है, क्या कर रहे हैं, कमाने के लिए बैठे हैं जी, कोई हमारी नौकरी तो है नहीं है, इसी से हम अपना घर चलाते हैं, बाहर निकलना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है सर जी। तो चलिए आप देख, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, और भाई साहब हैं, भाई साहब धंधा चल रहा है गर्मी में अभी दोपहर में? हाँ चल रहा है ना, कम आते हैं लोग, कम चल रहा है, कम चल रहा है गर्मी के कारण। अच्छा तो लोग दोपहर में कम आ रहे हैं? कम आ रहे हैं। अच्छा तो ये आप देख रहे हैं लोगों का आना जाना भी कम है, भाई साहब हैं गन्ने का रस या सिकंजी पी रहे हैं शायद, कुछ राहत मिल रही है इससे? बहुत राहत मिल रही है, बहुत गर्मी है सर जी, निकलना मुश्किल हो रहा है सड़कों पर, मजबूरी में निकल के आया हूँ जी, बहुत गर्मी है जी, तो मजबूरी है अपना, लोग बहुत मुश्किल, जब मजबूरी जब तक की ना हो तब तक लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, हम भी कि बहुत जरूरी ना हो या जो मजबूरी है, जिनके अस्पताल जाना है, कोई जरूरी काम है, तो वो तभी घर से बाहर निकल रहे हैं। और इंदौर से मिथिलेश गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन पहले हरदा चलते हैं, हरदा में प्रवीण जरा बताए कि वहां पर क्या स्थिति है गर्मी को लेकर, मौसम कैसा बना हुआ है, लोग क्या कर रहे हैं बचाव के लिए? जी अपर्णा जी, हरदा में भी गर्मी अपने पूरे सितम ढा रही है, यहाँ का जो तापमान है वो 43-44 डिग्री बना हुआ है, लोग यहाँ गर्मी से हलकान हो रहे हैं, सड़कें यहाँ पर दिन में सुनसान हो जाती है, और मैं आपको ये बताना चाहूँ, चूँकि हरदा पूरा ग्रामीण इलाका है, तो लोग यहाँ पर जो है गर्मी से बचने के लिए जो सफ़ेद गमछा जिस तरीके से हमारे गले में डला हुआ है, यही जो सफ़ेद गमछा जो है यहाँ गर्मी में लोगों को जो है इसी कड़ी गर्मी में लोगों को बचाता है, और लोग यहाँ इस गमछे को डालकर ही जो है यहाँ से बाहर निकलते हैं, कोई बहुत ज़रूरी काम है तो ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अभी मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं लगभग सभी लोगों के गले में और सबके सर पर जो है इस तरीके से जो है सफ़ेद गमछा है, और यहाँ पर यही जो गमछा है जो यहाँ लोगों को बचाता है। अभी हमारे साथ ये भैया है, भैया आप कहाँ से आए हैं? हंडिया। तो गर्मी तो बहुत पड़ रही है भैया, किस तरीके से बचाव करते हैं आप अपना? रुमाल है, यही गमछा, यही गमछे से बचाव कर रहे हैं आप? भैया आपका नाम बताएं। गर्मी तो बहुत ढा रही है, बहुत गर्मी है सर, ये गमछा ही हमारा साथ। तो अभी क्यों आए आप यहाँ पर? पेपर दिलाना है बच्चे को, तो इतनी गर्मी में बहुत तकलीफ तो हो रही होगी, क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी में निकलना पड़ रहा है। दादा आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम अखिलेश वर्मा है। कहाँ से आए हैं? सिरानी से आया सर, गर्मी पेपर दिलवाने आए हैं बच्चों को हम, अब इतनी गर्मी में गवर्नमेंट ने भी जो समय रखा है 2 बजे का रखा, बच्चे परेशान, हम लोग परेशान, आज 40 किलोमीटर से हम यहाँ आ रहे हैं, टेम्परेचर इतना है, यहाँ कोई सुविधा है ही नहीं, ये बैठे आप देख रहे हो धूप में कितना टेम्परेचर जा रहा है। गर्मी से राहत के लिए क्या करते हैं आप लोग? कुछ नहीं है, बस गमछा है और बैठे हैं धूप में, अब क्या कर सकते हैं क्या। दादा आप कहाँ के हैं? अच्छा गर्मी पूरा सितम ढा रही है। रविंद्र इनसे ये भी समझिए कि क्या लगता है ना कि गर्मी इतनी क्यों पड़ रही है इस बार? पूरे यौवन पे है इस टाइम तक, ये जो गर्मी है इस बार क्यों पड़ रही है इतनी, क्या सोचते हैं आप? मतलब ये टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है इसके में अंदाजा तो अपन नहीं लगा सकते, तो वही बता सकते हैं। क्या सोच रहे हैं कि भाई पेड़ कट रहे हैं ऐसी में? ये भी इसका एक कारण है, मेन कारण पेड़ ही है। क्या कारण है भाई? जो पेड़ वगैरह कट रहे हैं उसके तापमान इसीलिए बढ़ रहा होगा, मान लो पेड़ वगैरह रहे उसके कारण हवाएं चलती रहे तो टेम्परेचर में थोड़ा सा दबाव तो बना रहे। अपर्णा जी, यहाँ लोगों का ये कहना है कि जो जिस तरीके से गर्मी यहाँ पर लगातार बढ़ रही है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं पर्यावरण को जिस तरीके से क्षति पहुँचाई, जिस तरीके से पेड़ कट रहे हैं, वो भी एक बड़ा कारण यहाँ पर सामने आया है। यहाँ पर जो सूरज है वो आग के गोले के समान हो रहा है, बिल्कुल सड़कों पे ऐसा लग रहा है कि आग के गोले बरस रहे हैं। बिल्कुल नौतपा की शुरुआत भी आज से हो गई है। प्रवीण लौटेंगे आपके पास, इंदौर चलते हैं, मिथिलेश जरा बताएं इंदौर का क्या हाल है? अपर्णा, अगर इंदौर की बात की जाए तो मालवा का मिजाज ऐसा नहीं होता है जैसा इस वक्त का है। पिछले 10-12 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है इंदौर में, 44-45 डिग्री जो टेम्परेचर है अब वो इंदौर का है, और कभी भी ऐसा टेम्परेचर इंदौर में देखने को नहीं मिलता है, यानी भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। और इस वक्त मैं 56 बाजार में मौजूद हूँ, कुछ लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, ये बाहर से लोग यहाँ पर पहुंचे खाने पीने के लिए, मशहूर है 56, और 56 में जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं कि इस वक्त कितनी गर्मी है। बहुत गर्मी है,
हमारे पालघर में भी है लेकिन यहाँ भी है। आप लोग खुद को कैसे सुरक्षित रखते हैं इस वक्त इतनी भीषण गर्मी में? हम ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं और नैपकिन या कुछ टॉवल रहेगा वो गीला करके सर पे लेते हैं। बहुत बहुत गर्मी, बहुत परेशानी। छोटे बच्चों को भी लेकर आप चल रहे हैं? हाँ। और पारा जो है 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 45 डिग्री चल रहा है। कल से हमने गूगल पे, हमने मोबाइल पे देखा था, कम टेम्परेचर बताया था। हाँ। मगर यहाँ पे आया हूँ तो हालात बहुत अलग है। आप लोग कहाँ से आए? आप लोग? हम पुणे से आए हैं, पुणे से, महाराष्ट्र। पुणे से इंदौर आए, इंदौर में कैसा गर्मी का एहसास हो रहा है? बहुत बहुत गर्मी है, इस मौसम में घूमना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो रहा है। हाँ। क्या कहेंगे? बहुत गर्मी है, बस बहुत गर्मी है, क्या बोलेंगे? बहुत गर्मी है। और गर्मी से बचाने के लिए जो लोग यहाँ पर आए हैं 56 पर, उन्हें थोड़ी सी राहत मिल सके इसलिए 56 पर कूलर भी लगाए गए हैं। दूसरी तरफ दुकानों के आगे जो ग्रीन मैट है, ग्रीन सेट को लगाया गया है कि लोग यहाँ पर रुक सकते हैं, थोड़ी सी उन्हें गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन इंदौर का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम एक्सपर्ट के मुताबिक आने वाले समय में कई सालों का रिकॉर्ड टूट सकता है। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, बच्चों को लेकर बाहर निकले हैं, डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि बच्चों को लेकर बिल्कुल बाहर न निकले क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा गर्मी है। फिर भी कैसे सुरक्षित कैसे रखेंगे? कैसे रखेंगे? रसीली चीजों का परिवार के साथ घूमने फिरने निकले हुए हैं तो बच्चों को भी लेकर निकले हुए। हालांकि ये जो मौसम है, डॉक्टर्स वाकई मिथिलेश बता रहे हैं कि बच्चे भी घर से बाहर ना निकले और बड़े भी बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। आगे बढ़ते हुए मंदसौर का रुख जान लेते हैं कि मंदसौर में क्या हाल है। नरेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं मंदसौर का रिपोर्ट देने के लिए और साथ ही ग्वालियर से सुशील कौशिक भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। नरेंद्र बताए जरा फिलहाल मंदसौर में क्या स्थिति है, कहाँ पहुंचा है पारा? ये मंदसौर का पारा लोगों को बेहाल करने जैसा है। 45 डिग्री के आसपास यहाँ पर पहुंच गया है, 44 डिग्री से और अभी थोड़ी देर में 45 ऊपर निकलने की संभावना है। तो 45 डिग्री तापमान पहली बार हुआ है, इतनी भयंकर गर्मी में पहली बार लोग महसूस कर रहे हैं। और मेरे साथ कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आप बताइए कितनी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है इस बार मंदसौर वालों को? पहली बार ऐसी गर्मी देखी है, आज तक कभी ऐसी गर्मी गिरी नहीं और इतनी ज्यादा हीट वेव चल रही है। 44 डिग्री का टेम्परेचर तो पहले देखा पर इतनी गर्म हवा कभी न देखी। और ये एसियों के दुष्परिणाम में जिनके कारण पूरा वातावरण जो है वो गर्म हो चुका है और आज हम इस चीज को बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं। पेड़... आप बताइए, राजस्थान से अपना इलाका लगा हुआ है और राजस्थान में जिस तरीके से तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारे ये राजस्थान की लू मध्य प्रदेश तक भी आ गई है, क्या कहेंगे? क्या वृक्षारोपण की कमी है या पर्यावरण के प्रति लोग जागरूक? मुझे तो लगता है कि अपने इधर भी वृक्षारोपण की कमी लगती है और आए दिन जो अपने इधर विकास हो रहा है उसमें भी पेड़ काटे जा रहे हैं बहुत सारे, उनकी वजह से भी हो सकता है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये पेड़ अधिक से अधिक लगाया जाए इससे ताकि गर्मी में राहत मिले। जितने पेड़ लोग काट रहे हैं विकास के लिए उतने लोग लगा नहीं रहे? नहीं लगा रहे। जी जी, आप बताइए गाँव से आप आते हैं, कितना जरूरी हो गया आज शहर का तापमान इतना बढ़ रहा है, पर्यावरण के लिए पेड़ कितने जरूरी है? पेड़ बहुत जरूरी है, गर्मी के लिए बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं, गर्मी पेड़ बहुत ज्यादा जरूरी है। अब गांव से आते हैं, गर्मी बहुत गिर रही है, बहुत ज्यादा गिर रही है गर्मी। गर्मी कारण बाजार में मार्केट में बहुत कम पब्लिक बाहर निकल रही, घर से भी गर्मी बहुत गिर रही है और मार्केट में बहुत दिक्कत चल रही है, बाहर से गाँव से आ भी नहीं रहा अभी सिटी। तो देखिये बाजार सुनसान पड़ा है, कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, गाँव से आप आए हैं, कितनी परेशानी सामना करना पड़ा? गर्मी बहुत गर्मी, ऐसी गर्मी बढ़ती रुका लगे था, सब काटो ध्यान रखा, सब काटे जा रहे, तो बात जो गर्मी है, हीट वेव्स आ रही है उसके पीछे लोग एक कारण बता रहे हैं कि लगातार विकास के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, चाहे कॉलोनियों का विकास हो, शहर का विस्तार हो उसके लिए लगातार पेड़ों की बलि दी जा रही है और उसके मुकाबले वृक्षारोपण नहीं किया जा रहा है। बढ़ा गया है कि अब इतनी भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, सर्दियों में भी भयंकर सर्दियां पड़ने लगती हैं तो मौसम का संतुलन बिगड़ा हुआ है। सुशील, ग्वालियर की बात करें तो जो ग्वालियर में भी लगातार हम देख रहे हैं कि लू के थपेड़ों से लोग परेशान हैं, वहां पर भी पारा बहुत ज्यादा है। फिलहाल आज की क्या स्थिति है और अगले कुछ दिनों के लिए मौसम विभाग क्या कह रहा है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल की गर्मी अपने आप में बड़ी ख़राब गर्मी, खतरनाक गर्मी रहती है। आप देखिए कि 2:30 बजे के वक्त जो है सूरज किस तरह से तप रहा है और यही वजह है कि ये जो बड़े बड़े पेड़ों के इलाके हैं जहां लोगों को थोड़ी राहत मिलती है वहां खड़े रहते हैं। और उसके अलावा जो दिन में निकलने वाले लोग हैं आप देख सकते हैं कि ये किसी तरह से ठंडे पदार्थों के सहारे राहत लेने की कोशिश करते नज़र आते हैं।
अब देखिए दोपहर का वक्त है, ढाई बजे के लगभग, पूछते किस तरह की गर्मी है? बहुत भयंकर गर्मी है। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? यहाँ बीपीसीडी बंदा। तो गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं आप? जूस पी रहे। गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा है गर्मी। कैसी गर्मी है दादा इस बार? बहुत ज्यादा है। क्या हालात है? हालत का आदमी बड़बड़ा रहा हूँ, घबराहट ज्यादा है। ये देखिए दूर दूर से लोग आए हैं, क्या स्थिति है गर्मी की? स्थिति गर्मी की बहुत बेकार है। हाँ। बहुत ज्यादा गर्मी है। हाँ। गाड़ी चलाते समय भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, बहुत ज्यादा गर्मी है। देखिए लगातार जो गर्मी है, गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। और कैसी गर्मी है भाई? तो गर्मी तो बहुत पड़ रही है, हम तो एक जगह जब तो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, अगर वैसे चौराहे पे कहीं जाए तो एक मिनट भी खड़े हो नहीं पा रहे। मिल रही है दोपहर में गर्मी में? नहीं, वो तो वैसे टाइम पास हो रहा है। क्या हालात है गर्मी? बिल्कुल सर वैसा ही। देखिए ये लोग हैं कि जो लगातार गर्मी से परेशान है, और यही वजह है कि दोपहर के वक्त जब गर्मी में त्राई त्राई हो जाती है, तब ये देखिए आपके जो ठंडी दुकानें हैं, किस तरह के हालात है गर्मी के? गर्मी के बहुत बुरे हालात हैं। तो लोग आ रहे हैं यहाँ? आते हैं, ठंडा होके चले जाते हैं। बेहोश भी हो जाते कई लोग चलते चलते? चलते चलते बेहोश तो होते नहीं है, लेकिन आके जहाँ राहत मिलती है उन्हें पी के चले जाते हैं। गर्मी का असर बहुत है, बहुत है इस टाइम, बहुत है। देखिए गर्मी का असर जो है लगातार बढ़ रहा है, और अब चूंकि 25 मई से नौ तपा शुरू होने वाला है, तो ये गर्मी का असर ग्वालियर चंबल अंचल में और बढ़ेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बार 46 डिग्री से ऊपर तापमान जाएगा, और इसके साथ ही लू भी इलाके में चलती रहेगी। तो गर्मी से लोगों को फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल, राहत मिलती फिलहाल नजर नहीं आ रही है। नौतपा बहुत गर्मी पड़ेगी, ये पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा है। इन दिनों में गर्मी पड़ती भी ज्यादा है, लेकिन कहा जाता है कि जब गर्मी बहुत पड़ती है इन दिनों में, तो फिर उसके बाद बारिश भी अच्छी रहती है। भोपाल चलते हैं, राजधानी में प्रशांत कटारे लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत, मौसम विभाग क्या कह रहा है अगले कुछ दिनों के लिए भोपाल के अनुमान को लेकर? क्या कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, या अभी भी आने वाले दिनों में इन लू के थपेड़ों का ही सामना करना पड़ेगा? अपर्णा, राहत नहीं बल्कि हम ये कहें कि और ज्यादा तपिश होने वाली है राजधानी भोपाल में। अगर बीता दिन 44.4% था, तो आज संभव है कि 45 क्रॉस कर गया हो, और ये आंकड़ा और बढ़ेगा। यानी कि जो 30 मई या ये जो पूरा मई का महीना है, पूरे मई महीने में गर्मी ऐसी रहने वाली है, बल्कि टेम्परेचर और बढ़ने वाला है, 45 को क्रॉस करने वाला। बहुत बड़ी बात नहीं कि 46 के करीब जा पहुंचे। लू लगातार चल रही, हीटवेव लगातार चल रही है, अगर 47 के नजदीक पहुंचता है तो वो सीवियर हीटवेव वाली कंडीशन हो जाती है। सीवियर हीटवेव वाली कंडीशन नहीं है, लेकिन हीटवेव लगातार चल रही है। लगातार लोगों को हाइड्रेट रहने की सलाह डॉक्टर दे रहे हैं, लोगों से यही कहा जा रहा है जब तक कि आपको बहुत जरूरत ना हो तब तक आप घरों से बाहर ना निकलें, डॉक्टर यही मशविरा दे रहे हैं। यानी कि अब केवल दोपहर नहीं बल्कि शाम के समय भी लू जैसे हालात बने हुए हैं, बल्कि जो रात है वो भी बहुत गर्म हो रही है। अपर्णा, राजधानी भोपाल की असहनीय गर्मी रात में भी लोगों को महसूस हो रही है। बिल्कुल, दिन का कोई भी पहर हो और गर्मी का ही सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से जो अघोषित पावर कट है उसने भी परेशानियां बढ़ा दी हैं, और आने वाले दिनों में भी ये गर्मी बढ़ेगी ही। फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। आप सभी लोग जो फील्ड पर निकले हुए हैं, आप लोग भी अपना अपना ख्याल रखिए, क्योंकि काम के निकलना आप लोगों की और हमारी मजबूरी है, लेकिन ख्याल रखना बेहद जरूरी है इस लू में, इस गर्म मौसम में। ख्याल रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आप सभी का ही इस पूरी जानकारी के लिए।